आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब भाई इतना तो क्लियर है कि हम लोग इस रिप्रोडक्शन वर्ड से काफी चीर परिचित हो चुके हैं। चलिए फिर भी मैं आपको रिप्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि भाई ये रिप्रोडक्शन होता क्या। तो सिंपली री का मतलब होता है अगेन, और अगेन का मतलब क्या होता है भाई, दो बार। और दूसरा वर्ड अपने पास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, टू प्रोड्यूस, मतलब जन्म देना, दोबारा जन्म देना। तो सोचिए भाई कि ये जो दोबारा जन्म दिया जा रहा है, तो यहां सिमिलर खुद के ही जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया जाएगा या किसी और के जैसे बच्चों को पैदा किया जाएगा। हाँ भाई, खुद के ही जैसा बच्चा पैदा किया जाएगा, किसी अलग ऑर्गेनिज्म के जैसा यहां बच्चा होने वाला नहीं। तो सिंपली भाई डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ध्यान से देखिएगा भाई, बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि लिविंग्स में होने वाला एक प्रोसेस है, तो नाम क्या दिया गया भाई, बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म, कौन भाई, कोई जीव, क्या करता है भाई, गिव्स बर्थ, क्या देता है भाई, जन्म देता है। किसको, अपने ही जैसे यंग वंस को। किसको भाई, यंग वंस को। अब बात यह आती कि क्यों जन्म दे रहा है, तो भाई इसके पीछे कॉज है, और कॉज है क्या भाई, तो कॉज है टू मेंटेन देयर स्पीसीज और टू कंटिन्यू देयर जनरेशन। ध्यान से देखेगा भाई, डेफिनेशन भी इसी में इंक्लूडेड है। कैसे, कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस अलाइक देमसेल्व्स। क्या बोलेंगे भाई, खुद के ही जैसा, अलाइक देमसेल्व्स टू मेंटेन देयर स्पीसीज, ताकि उसका स्पीसीज बना रहे, या फिर टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, उसका पीढ़ी चलता रहे। तो भाई इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमने कई बातों को जाना था कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन के लिए भाई सेक्सुअल में क्या चीज चाहिए होता है, एसेक्सुअल किसे कहते हैं, इन सभी बातों को हम लोग पहले जान रखे। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन को। भाई अब देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। तो ह्यूमन साफ साफ कह रहा है, ह्यूमन का मतलब क्या होता है भाई, मानव, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रजनन। तो मानवों में जन्म देने की प्रक्रिया, ध्यान से सुनिएगा भाई, मानवों में, हम क्या है भाई, मानव, मेरा जन्म कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से हुआ, इन सभी घटनाओं को देखेंगे इसी चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा भाई। चलिए अब इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन को जान लेते हैं, क्योंकि भाई प्रजनन की क्रिया किसमें समझने जा रहे हैं, मानवों में प्रजनन की क्रिया समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मानव को, ह्यूमन को समझ लेते हैं कि भाई ये जो ह्यूमन है ये यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल। आपको लग रहा हो कि भाई ये सर क्या बता रहे, इतना एजी, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कह देते हैं भाई हम तो बाइसेक्सुअल हैं। नहीं, हम यूनिसेक्सुअल होते हैं, हमारे में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है, हम बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं। और आप भी जो देख रहे हैं बाइसेक्सुअल तो नहीं है भाई, आप क्या है, यूनिसेक्सुअल। तो याद रखिएगा जिन्हें कंफ्यूजन है, ह्यूमन क्या है भाई, यूनिसेक्सुअल, मतलब जहां मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन दो अलग अलग इंडिविजुअल में हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। दूसरी बात, अब ये बताइए भाई कि यहां ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो भाई बिना कंफ्यूजन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा भाई,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है, यहां सेक्स ऑर्गेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहां टू डिफरेंट पेरेंट्स हैं, तो भाई ये साफ साफ बता रहा है कि ये कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो यहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहां मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होती है। ठीक है भाई, बाकी बहुत सारी बातों को हम लोग लेटर ऑन जानेंगे, फिलहाल तो हम लोग दो चीज जान लेते हैं कि ह्यूमन क्या है भाई, यूनिसेक्सुअल, और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई यहां कह रहा है कि मानवों में प्रजनन या ह्यूमन में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या लैंगिक है। मतलब साफ साफ है कि यहां सेक्स ऑर्गेन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ध्यान से देखिएगा भाई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन, हिंदी में बोलेंगे तो लैंगिक अंगों का यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब यहां सेक्स ऑर्गेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, समझिएगा। अब इस सेक्स ऑर्गेन के बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई पूछता है कि भाई आप सेक्स ऑर्गेन से क्या समझते हैं, तो आंसर दीजिएगा, ऐसे ऑर्गेन्स जो सेक्सुअल एक्टिविटी में, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड है, उसे क्या कहा जाएगा, सेक्स ऑर्गेन। द ऑर्गेन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन आर नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है भाई, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्गेन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन आर नोन एज क्या भाई, सेक्स ऑर्गेन। ऐसे ऑर्गेन जिनका इन्वॉल्वमेंट रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्रिया में होती है, उसे लैंगिक अंग या सेक्स ऑर्गेन कहा जाता है। क्लियर है भाई, अब हम लोग समझेंगे कि सेक्स ऑर्गेन कितने तरह का होता है। ध्यान से देखिएगा भाई, हम लोग चीजों को एक एक करके एकदम बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में होने वाली घटना है, तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई होता क्या है और होता कैसे है, तभी लोग जागरूक होंगे। और लोगों में जो बहुत सारे तरहों का अवधारणा है कि भाई ऐसे हो जाता होगा, वैसे हो जाता होगा, लोग इन सब चीजों के बारे में बातें नहीं करना चाहते हैं, तो जब तक हम लिटरेट नहीं होंगे, जब तक हमें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम दूसरों को भी जागरूक नहीं कर पाएंगे। तो बातों को समझिएगा भाई, सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे कि सेक्स ऑर्गेन क्या है। तो मैंने बताया कि ऑर्गेन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ क्या भाई, इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्स ऑर्गेन। क्लियर है भाई, अब हम लोग देख लेते हैं सेक्स ऑर्गेन होता कितने तरह का है। ध्यान से देखेगा भाई, अगर आपसे पूछे कोई सेक्स ऑर्गेन कौन सा होता है, तो आप सेक्स ऑर्गेन बताने से पहले आप बताइए कि सेक्स ऑर्गेन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई, दो। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। समझिएगा भाई कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन में क्या डिफरेंस है। एकदम आसान है, सीबीएसई में आपसे इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई जब आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेन, अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साफ साफ कहता है गैमिट्स का क्या भाई, फ्यूजन। क्या बता रहा है, गैमिट्स फ्यूजन। मतलब यहां दो गैमिट, एक मेल और एक फीमेल गैमिट का क्या हो रहा है भाई, फ्यूजन हो। तो जब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन की बात करते हैं तो हम लोग सिंपली ऐसा कहेंगे कि ऐसे सेक्स ऑर्गेन जहां गैमिट्स का फॉर्मेशन होता हो। किसका फॉर्मेशन भाई, गैमिट। एकदम याद रखिएगा, जो गैमिट का फॉर्मेशन करता है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहेंगे। तो भाई ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन क्या होता है, कहते हैं ऐसे सेक्स ऑर्गेन जो गैमिट के फॉर्मेशन के अलावा और किसी रिप्रोडक्शन के वर्क में इन्वॉल्व्ड है।
ठीक है भाई, गैमिट फॉर्मेशन छोड़ के रिप्रोडक्शन का जितना भी काम होगा वो जो ऑर्गेन कर रहा है उसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन कहेंगे। ध्यान से, जहां गैमिट बना भाई, गैमिट प्राइमरी है क्योंकि गैमिट के फ्यूजन के कारण ही तो यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं लोग। तो कह रहे हैं जहां गैमिट का फॉर्मेशन होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, और इसके अलावा जो भी ऑर्गेन बचा रह गया और सेक्सुअल एक्टिविटीज में या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे कहेंगे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। तो क्या लिखेंगे भाई, ऑर्गेन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या कह रहा है भाई, ऐसे ऑर्गेन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है कहां भाई, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट बनाने, उसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। तो भाई सेकेंडरी को क्या लिखेंगे, सेक्स ऑर्गेन्स विच आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस रेदर देन क्या भाई, गैमिट प्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं भाई कि ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में इन्वॉल्व्ड तो है लेकिन गैमिट प्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं है। तो जो गैमिट बनाएगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, और जो बाकी बचा काम कर रहा है वो क्या हो गया भाई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। जैसे कि बात करते हैं आप शादी में, तो शादी में प्राइमरी कौन होता है भाई, दूल्हा और दुल्हन। तो दूल्हा और दुल्हन तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, और बाकी बचे जितने भी है, चाहे वो बाराती में नाचने वाले हो या लड़की के तरफ से रिश्तेदार हो, वो सब के सब क्या हो गए भाई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। वो शादी नहीं करने वाले, वो शादी में हेल्प करेंगे, शादी के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, तो वो सारे क्या हो गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। और बाकी जिनकी शादी हो रही है, जो यहां पर्पजली इन्वॉल्व्ड है, मेल और फीमेल गैमिट, उनका जहां प्रोडक्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। क्लियर है भाई। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे कि भाई और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो और डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेगा। किसका प्रोडक्शन करेगा भाई, हार्मोन्स का। तो क्या लिखेंगे, इट प्रोड्यूसेस क्या भाई, हार्मोन्स। तीन नंबर के क्वेश्चन में आएगा भाई क्या, कि भाई आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन में डिफरेंसेस बताइए। तो आप पहला क्या बताइएगा कि जो डायरेक्टली गैमिट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो प्राइमरी, और जो रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है लेकिन गैमिट फॉर्मेशन में हेल्प मदद नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेकेंडरी। तो सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है वो हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, इधर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन होता है ऐसा नहीं करता। तो क्या लिखेंगे भाई, इट डज नॉट प्रोड्यूस क्या, हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा। क्लियर है भाई। तीसरा कहते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो भाई इट इज कंट्रोल्ड बाय प्यूटिटरी ग्लैंड। याद कीजिए भाई, प्यूटिटरी ग्लैंड 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आखिरी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, याद कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज कंट्रोल्ड बाय प्यूटिट्री ग्लैंड। किसके द्वारा भाई, ये प्यूटिट्री ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो भाई इट इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स। एकदम इजी है भाई, तीन डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, इससे तीन मार्क्स आपको मिलेगा।
सबसे पहला जहां गैमेट का प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, जो बाकी अदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में मदद कर रहा है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, इधर वाला हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं करता। इट इज कंट्रोल्ड बाय प्यूटिट्री। किसके द्वारा भाई? प्यूटिट्री ग्लैंड के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हॉर्मोन्स इसके एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो ये तीन डिफरेंसेस आप लोग मेंशन कीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कौन सा होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन कौन सा होता है। चलिए भाई अब देख लेते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन की बात करेंगे तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले मेल में और दूसरा फीमेल में। अगर मेल में बात करी जाए, मेल के लिए भाई आप लोग एक सिंबल याद रखिएगा, एक सर्कल और उसके ऊपर में एरो, ऐसे हम लोग मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे किसमें भाई? फीमेल में। और फीमेल के लिए सिंबल होता है ऐसे, एक सर्कल और उसके नीचे प्लस। तो देखिए भाई अब इसको याद कैसे रखेंगे? जनरली भाई मेल क्या होता है भाई, अब आ रही कह लो अपने आपको, तो ठीक है मेल कभी घर पे रहेगा नहीं, तो इसे एक सर्कल देकर एक एरो दे दिया गया भाई, जा उड़ता रहे तू, ठीक है तीर लेके उड़ता रहे। तो ये क्या हो गया भाई मेल। और फीमेल क्या होगी भाई? फीमेल को तो भाई जहां मिरर मिल गया वहीं सारे काम खत्म, और आईना देखते देखते ही सुबह से शाम बीत जाएगा। तो देखिए भाई एक गोल है और ये इसका हाथ, और हाथ में पकड़ा दिया हम लोगों ने मिरर, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए भाई अब मेल में ये बताइए कि गैमेट कौन सा होता है। याद कीजिए कि मेल का गैमेट कौन सा है। देखिए देखिए सोचिए, अरे मेल का गैमेट स्पर्म होता है भाई। क्या होता है? स्पर्म। तो यहां मेल का गैमेट कौन होता है? स्पर्म। अब ये सोचिए कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है। याद कीजिए, याद होगा आप लोगों को कि स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। कहां होता है भाई? टेस्टिस में। अब आते हैं फीमेल की तरफ। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कौन सा होगा? तो पहले ये सोचिए कि फीमेल में गैमेट कौन सा होता है। ये भी याद होगा आप लोगों को, फीमेल गैमेट ओवम को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? ओवम को। तो अब ये सोचिए कि ओवम का प्रोडक्शन कहां होता है। जरा बुद्धि चलाइए, याद आ जाएगा ओवम का प्रोडक्शन ओवरी में होता है। कहां होता है भाई? ओवरी। अब क्लियर हो गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन मेल में कौन होता है भाई? टेस्टिस। और फीमेल में कौन सा होता है? ओवरी। क्लियर है? अब इस टेस्टिस और ओवरी को एक और नाम देते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं गोनैड्स। क्या कहते हैं भाई? गोनैड्स कहते हैं। जहां गैमेट का प्रोडक्शन होता है उसे गोनैड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गोनैड्स। अब ये सोचिए कि ये गोनैड हैप्लोइड होगा या डिप्लोइड होगा। ये डिप्लोइड होता है। क्या होता है भाई? डिप्लोइड। एकदम से याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे डिफाइन गोनैड्स तो क्या बताइएगा भाई? डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गेन विच प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड गैमेट्स। क्या करता है भाई? ऐसे डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गेन जो हैप्लॉयड गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं उसे क्या कहा जाता है भाई? गोनैड्स। क्या कहा जाता है? गोनैड्स। अब चलिए जानकारी के लिए लिख लेते हैं कि टेस्टिस के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? टेस्टिस करेगा स्पर्म। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? ओवरी प्रोड्यूस करेगी ओवम। और ये दोनों का दोनों है क्या भाई? ये दोनों का दोनों है गैमेट। क्या है भाई? गैमेट। तो गैमेट हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? गैमेट होता है हैप्लॉयड। अब अगर पूछ दे भाई चचा ये बताइए कि गैमेट का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो आंसर क्या देंगे? ये मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहा हूं। देखिए भाई, हैप्लॉयड सेक्स सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड गोनेट्स। ध्यान से, ये हो गया डेफिनेशन। क्या हो गया भाई? डेफिनेशन। अगर कोई पूछ दे चचा गैमेट का डेफिनेशन दीजिए, तो बताइएगा हैप्लॉयड मतलब एक सेट क्रोमोजोम के साथ वाला, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस्ड क्या भाई? प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड गोनैड। किसके द्वारा? डिप्लॉयड गोनैड के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा।
ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरी। कौन कौन सा हो गया भाई? टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल। अब आता है नेक्स्ट अपने पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसको भी दो पार्ट में पढ़ लेते हैं भाई, एक तो मेल में और दूसरा फीमेल में। मेल और फीमेल का भाई रिप्रेजेंटेशन जरूर याद रखिएगा कि मेल को सर्कल और एक एरो, फीमेल को एक सर्कल और नीचे प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होता है। तो अभी मैं नाम मेंशन कर दे रहा हूं, जब मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तो ये सारे नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और अगर किसी ने टेंथ में इसे अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को नाम याद आएगा। जैसे मेल में अगर बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो आप लिख सकते हैं एपिडिडाइमिस। देखिए भाई, एपिडिडाइमिस। अभी ये मैं जितने भी नाम को लिख रहा हूं वो सारा आपको डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो अभी परेशान नहीं होइएगा कि भाई ये कितना भारी वर्ड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा नाम सस्ता ही लगे। दूसरा एपिडिडाइमिस के बाद हम लोग कह सकते हैं वासा, इफरेंसिया। तीसरा वॉस, डीफॉर्म्स। चौथा पेनिस। पांचवा ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स भाई बहुत सारे होते हैं, जैसे तीन तीन ग्लैंड हम लोग भी मेंशन करेंगे। सबसे पहला तो प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमिनल वेसाइकल, तीसरा काउपर्स ग्लैंड, और इस काउपर्स ग्लैंड का और एक नाम है भाई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है भाई? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सारे मैंने जितने भी ऑर्गन्स का नाम लिखा है वो डायरेक्टली गैमिट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारा हो सकता है कोई गैमिट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा हो सकता है कोई गैमिट के जाने के लिए पाथवे प्रोवाइड कर रहा हो सकता है कोई मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचा रहा हो, वो सभी बातों को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट गैमिट का प्रोडक्शन तो नहीं करेगा। तो जो गैमिट का प्रोडक्शन नहीं कर रहा उन सबको हम लोग क्या कह रहे हैं भाई? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब आते हैं फीमेल में कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होता है। तो देखिए भाई, फीमेल में अगर बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं फलोपियन ट्यूब, दूसरा मेंशन कर सकते हैं आप यूटेरस, तीसरा मेंशन कर सकते हैं आप वजाइना, चौथा आप ग्लैंड लिख सकते हैं भाई, यहां ग्लैंड। तो यहां ग्लैंड कौन सा होता है भाई? ग्लैंड हो जाएगा बार्थोलिंस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड भाई? बार्थोलिंस ग्लैंड। फिर एक हो जाएगा भाई आपके पास ब्रेस्ट। अब जब हम लोग ब्रेस्ट की बात करते हैं, लोग मेंशन कर देते हैं कि ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसा मत मानिए भाई। ऑर्गन तो वो है जो जन्म के साथ मिला है, ये ब्रेस्ट तो भाई प्यूबर्टी एज में डेवलप हो रहा है, ये तो कैरेक्टर है। क्या है भाई? कैरेक्टर। तो ब्रेस्ट को ज्यादा सटीक होगा कहना ये सेकेंडरी सेक्स सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये क्या है भाई? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ध्यान से देखिएगा भाई, लोग मिस कर जाते हैं, जनरली ब्रेस्ट को लिख देते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं बोलिए। आप क्या बोलिएगा? आप कहिएगा कि ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, क्योंकि ये तो प्यूबर्टी एज में आ रहा है, इसके बेसिस पे तो कहते हैं कि भाई फीमेल मैच्योर हो रही है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेंशन कीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही कुछ बातों के डिटेल्स को भी हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोगों का धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट अभी तो शुरू किए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल्स की बात करेंगे तो मेल क्या होगा। अब इसके पहले हम लोग थोड़ा एक बात और जान लेते हैं।
कि ये जो सेक्स ऑर्गन होता है इसका ओरिजिन क्या है भाई, ये कहां से ओरिजिन हो रहा है। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो सेक्स ऑर्गन है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो आंसर दीजिएगा मीजोडर्म। क्या आंसर दीजिएगा भाई? मीजोडर्म। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है, जो ओरिजिन है, वो कहां से होता है, तो आंसर दीजिएगा भाई मीजोडर्म। आप लोगों ने पिछले साल एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा या टिश्यू वाले चैप्टर में देखा होगा कि जब ये इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और मैंने भी बताया था थोड़े दिन पहले कि जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जायगॉट, फिर बनेगा क्या कहते हैं इम्ब्रियो, फिर आगे डेवलपमेंट होगा तो मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला। गैस्टूला में भाई तीन लेयर होता है, सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म और सबसे अंदर इंडोडर्म। तो ये क्या चीज से बना है भाई? मीजोडर्म से। किससे बना है भाई? मीजोडर्म, याद रखिएगा। चलिए भाई अब हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक डाल लीजिए भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अभी मैं एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ दूंगा, आप लोग देखिएगा और सीखिएगा कि डायग्राम कैसे बनाना है। लोग डायग्राम देख लेते हैं, बड़ा अच्छा दिख रहा है भाई, यही एग्जाम में आपसे पूछ देगा तब लगता है भाई इतना टिपिकल था क्या। तो टिपिकल विपिकल कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस मुझे फॉलो कीजिए और देखते चलिए। सबसे पहले भाई कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस। तो टेस्टिस जहां होता है उस बैग को बना लेते हैं, ठीक है भाई, एकदम सस्ता सा ड्रॉइंग बता रहा हूं, ठीक है। ये देखिए भाई, सबसे पहले हम लोगों ने उस बैग को बना लिया जिस बैग में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। भाई इस बैग को क्या नाम देते हैं? तो इस बैग को क्या नाम दूं? इस बैग को हम स्क्रॉटम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक। क्लियर है भाई? दूसरा, इसके अंदर में पाया जाएगा ओवल शेप्ड टेस्टिस। क्या पाया जाएगा भाई? ओवल शेप्ड टेस्टिस। मैं टेस्टिस का फर्दर और एक फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेस्टिस और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि ये ओवल स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं भाई? टेस्टिस। क्या बोला जा रहा है भाई? टेस्टिस। क्लियर? अब क्या ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसमें टेस्टिस ऐसे ही रहता है पड़ा हुआ क्या? नहीं, ये जुड़ा रहता है। तो भाई जिससे जुड़ा रहता है इस टिश्यू को क्या नाम देते हैं? तो भाई इस टिश्यू को क्या नाम दूं? इस टिश्यू को कहा जाता है ग्यूबरनेकुलम। क्या कहा जाता है भाई? ग्यूबरनेकुलम। ये नाम मेंशन हो गया भाई, ग्यूबरनेकुलम। अब कहते हैं आगे क्या? तो भाई आगे हम बना दे रहे हैं, इस टेस्टिस में बहुत सारा चैम्बर होता है। क्या होता है भाई? चैम्बर। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या बना दिया भाई? बहुत सारा चैम्बर। इधर भी बना लीजिए आप। इस चैम्बर को क्या नाम देते हैं? इस चैम्बर को नाम देते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या नाम देते हैं भाई? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। आगे पढ़ेंगे कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का नंबर 250 होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट ये वेरी कर सकता है 200 to 400। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर ढेर सारा पाइपलाइन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? पाइपलाइन। इस पाइपलाइन को देखिए भाई क्या कहते हैं, ऐसे ही बहुत सारा हम लोगों को पाइपलाइन मिलेगा, ठीक है भाई। अभी ज्यादा मैं डिटेल इसमें नहीं बताऊंगा, फिर से एक ड्राइंग बताऊंगा उससे बताऊंगा। इस पाइपलाइन को क्या नाम दिया जाता है? ये जो पाइपलाइन है इसे नाम दिया जाता है सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम दिया जाता है भाई? सेमनी
टिब्यूल्स। बचपन से पूछा जाता है स्पर्म कहां बनता है, आंसर देते हैं टेस्टिस। अब थोड़ा और मॉडिफाई करके आंसर दीजिएगा कि स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के सेमिनिफेरस टिब्यूल में होता है। आगे बढ़ते कहते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से सेमिनिफेरस टिब्यूल से फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई आता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिर वहां से रेटेड टेस्टिस जाएगा, ये भी बाद में देखेंगे, फिर वहां से कैरी करेगा एपिडिडाइमिस। कौन कैरी करेगा भाई? एपिडिडाइमिस। तो चलिए हम बना देते हैं ऊपर में। अब देखिए भाई, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है यह है एपिडिडाइमिस, एपी डी डाइमिस, ठीक है भाई। अब कहते हैं एपिडिडाइमिस के आगे, ध्यान से देखिएगा भाई, ये एपिडिडाइमिस के आगे एक और पाइपलाइन जाता है, ध्यान से देखिए भाई, एक पाइपलाइन और मिलेगा। इस पाइपलाइन को देखिए भाई, नाम दिया जाता है वॉस डिफर्म्स। क्या नाम दिया जा रहा भाई? वॉस डिफर्म्स। अब कहते हैं फिर स्पर्म आगे बढ़ेगा, तो चलिए भाई इस इस वॉस डिफर्म्स को थोड़ा हम लोग आगे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। जब हम आगे की ओर ले जाएंगे तो देखिए भाई हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ऊपर में एक बड़ा सा बैग मिलेगा, देखिए भाई एक बड़ा सा क्या मिल रहा है हम लोगों को, बैग। इस बड़े से बैग को क्या नाम देते हैं? इस बड़े से बैग को नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम देते हैं भाई? यूरिनरी ब्लड। लेकिन स्पर्म को तो आगे जाना यूरिनरी ब्लैडर से कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहां हम लोगों को मिलेगा ग्लैंड्स। क्या मिलेगा भाई? ग्लैंड्स। तो चलिए हम लोग ग्लैंड बना लेते हैं। ग्लैंड की बात करेंगे तो देखिए आप लोगों को कैसा कैसा ग्लैंड देखने को मिलेगा। देखिए भाई यहां एक ग्लैंड मिलेगा, इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसाइकल। क्या नाम है भाई? सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। अब सेमिनल वेसाइकल के बाद अगले ग्लैंड को नाम देते हैं हम लोग क्या भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम दे रहे हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके भी आगे आपके पास काउपर्स ग्लैंड। क्या भाई? काउपर्स ग्लैंड। नाम देखिए भाई, याद रखिए, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। फिर आगे जाकर आपको एक पाइपलाइन मिलेगा, ये देखिए भाई एक आगे और एक पाइपलाइन मिल रहा है। इस पाइपलाइन को क्या नाम देते हैं भाई? इस पाइपलाइन को नाम देते हैं यूरेथ्रा। क्या नाम देते हैं भाई? यूरेथ्रा। तो चलिए मेंशन कर देते हैं इसे यूरेथ्रा। अब इस यूरेथ्रा के ऊपर में देखिए भाई एक स्ट्रक्चर बना मिलेगा आप लोगों को, ऐसे ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे कहा जाता है पेनिस। क्या कहा जाता है भाई? पेनिस। अब इस पेनिस के आगे वाले भाग को समझते हैं। इस आगे वाले पोर्शन को देखिए भाई, हम नीचे यहां पर बना के आपको देखिए इस फिगर को, ये जो आखिरी में ये ओपनिंग दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को कहा जाता है मीटर, जहां से यूरिन या सीमन, सीमन किसे कहते हैं भाई? स्पर्म के साथ जब इन सभी ग्लैंड का सिक्रीशन मिल जाए तो वो स्पर्म नहीं रहता है, उसका नाम बदल जाता है, सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सीमन। तो जो पेनिस से बाहर निकल रहा है, जो मीटस से बाहर निकलता है, वो क्या होता है भाई? सीमन। क्या होता है? सीमन। स्पर्म तो भाई तब तक था जब तक ये वॉस डिफर्म से आ रहा था और उसमें इन ग्लैंड का सिक्रीशन नहीं मिला था। जब ग्लैंड का सिक्रीशन मिल गया तो उसे हम लोग सीमन नाम देंगे। क्या नाम देंगे भाई? सीमन। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को समझिए कि ये जो ओपनिंग है ये तो हो गया मीटस। अब ये जो बाहर में ब्लू वाला कवर दिख रहा है,
इस ब्लू वाले कवर को कहा जाता है प्रीप्यूस। क्या कहा जाता है भाई? प्रीप्यूस, या इसी को कहते हैं फोर स्कीम। क्या कहते हैं? फोर स्कीम। कहते हैं ये जो प्रीप्यूस, ये जो ब्लू वाला कवर दिख रहा है, या जिसे मैंने फोर स्कीन नाम दिया है, ये भाई मूव कर सकता है, ये पीछे भी आ सकता है, ठीक है। अब अंदर वाला जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, देखिए मैं इसे रेड से कर दे रहा हूं, ये जो अंदर वाला पोर्शन, ठीक है भाई, ये जो अंदर में हम लोगों को रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, इस रेड वाले पोर्शन को कहा जाता है ग्लांस पेनिस। क्या कहा जाता है भाई? ग्लांस पेनिस। ये मेल जेनिटल ट्रैक में, ये जो हम लोग अभी लिख रहे हैं ग्लांस पेनिस, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। ध्यान से समझिएगा कि ये जो ओपनिंग था वो हो गया मीटस, और इसके ऊपर का कवर जो कि क्या हो सकता है भाई, मूव कर सकता है, इस कवर को नाम दिया गया प्रीप्यूस या फोर स्किन, और अंदर में जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है वो है ग्लांस पेनिस, जो मेल में सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं कि ये बीच में तो ये क्या हो गया भाई, यूरेथ्रा, आगे पेनिस, और पेनिस के आगे वाले भाग को क्या कह रहे हैं भाई, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के कवर को प्रीप्यूस या फोर स्किन कहा जाता है, और ओपनिंग को मीटस कहा जाता है। ध्यान से देखें तो यही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या भाई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फिगर किसका हो गया भाई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां आपको स्क्रॉटम के ऊपर हेयर्स देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? हेयर्स। ये स्क्रॉटल सैक के ऊपर क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? हेयर्स। तो अगर यहां से देखिए क्या क्वेश्चन आता है, कि सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ऐसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाइएगा जिसे नाम दिया जाएगा स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटल। इसके अंदर आप बना दीजिएगा भाई क्या? टेस्टिस। क्या बना दीजिएगा भाई? टेस्टिस। टेस्टिस से आगे आप बता दीजिएगा, टेस्टिस में बहुत सारे चैम्बर होता है, उसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इसके अंदर पाइपलाइंस मौजूद होता है, इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, या स्पर्म प्रोडक्शन होगा। फर्दर ये एपिडिडाइमिस के पास पहुंचेगा, एपिडिडाइमिस से वॉस डिफंड, फिर बहुत सारे ग्लैंड्स को पास करते हुए यूरेथ्रा से आगे बढ़ेगा, फिर मीटस से बाहर निकल जाएगा। तो यहां देखिए भाई, मैंने पाथवे एक्सप्लेन कर दिया। अगर पूछे आपसे कि स्पर्म का पाथवे क्या है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे भाई, कि स्पर्म का पाथवे सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बाद अभी हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, फिर रेटे टेस्टिस जो मैंने अभी यहां मेंशन नहीं किया है, इसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर वॉस डिफंड, फिर यूरेथ्रा, और फिर मीटस से होते हुए बाहर। भाई इस स्क्रॉटम के अंदर फ्लूइड भरा पड़ा होता है, इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है हाइड्रोसील। क्या नाम दिया जाता है भाई? हाइड्रोसील। ध्यान से देखिएगा ये क्या है भाई? फ्लूइड। इस फ्लूइड का क्या नाम दिया जा रहा है? हाइड्रोसील, ठीक है भाई। इस तरीके से खत्म होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे कि टेस्टिस में कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और किस तरीके से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इन सभी बातों को हम लोग आगे जानेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और भाई बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है ये जरूर दबाइए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय।